बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम से आप सबका स्वागत है दोस्तों, जय की दुनिया में। आज हम आपको बाबा के मंदिर के दिव्य दर्शन करवाएंगे दो बार। इसके अलावा आपको बर्बरिक से बाबा बनने का इतिहास बताएंगे और 13 सीढ़ियों का रहस्य भी बताएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं खाटू धाम की यात्रा। हमने यात्रा शुरू की तोरण द्वार, इसको वैंकुट धाम का द्वार भी कहते हैं दोस्तों। ये खाटू नगरी के एंट्रेंस पे है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब लोग बाबा के दर्शन के लिए झूम रहे हैं, मदहोश हो रखे हैं बाबा के प्रेम में, नाचते गाते यात्रा करते बाबा के दरबार पहुंच चुके हैं। बस अब कुछ ही पलों में बाबा के दर्शन होंगे। इन मतवालों की जोश देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। जय श्री श्याम, जय श्री राम। हम पहुंच चुके हैं बाबा के मंदिर के सामने। यहाँ पे हमने बाबा को किया नमन प्रणाम किया। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं महाभारत काल में। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरिक। बर्बरिक जब थोड़े से बड़े हुए तो हिडिंबा देवी ने कृष्ण जी से पूछा कि इनकी गुरुकुल की शिक्षा कहाँ की जाए। तो कृष्ण जी ने उनको विजय सिद्ध सेन की गुरुकुल में भेज दिया। बर्बरिक जी ने वहां पर अपनी शिक्षा प्राप्त की और महादेव की और दुर्गा माता की खूब भक्ति की। प्रसन्न होकर महादेव ने उनको एक धनुष दिया और दुर्गा माँ ने उनको 3 बाण दिए। ये 3 बाण इतने चमत्कारी थे कि अपने लक्ष्य को हमेशा भेद के ही वापस आते थे। शिक्षा के बाद जब कृष्ण जी उनसे मिले तो बर्बरिक की परीक्षा ली उन्होंने। उन्होंने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा दिया और बर्बरिक जी को बोला कि इस पेड़ के सारे पत्ते भेदिए आप। तो बर्बरिक जी ने तीर मारा और उस पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए और कृष्ण जी का पांव भेद दिया। विष्णु के अवतार कृष्ण जी समझ गए बर्बरिक जी के पास अपार शक्ति है। उन्होंने उनसे पूछा, आपने गुरु दक्षिणा में गुरु को क्या दिया? बर्बरिक जी ने कहा, मैंने गुरु से वादा किया है कि मैं हमेशा हारे का सहारा बनूंगा और कमजोर के साथ खड़ा रहूंगा। कृष्ण जी तो अंतर्यामी थे। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कृष्ण जी समझ गए कि अगर बर्बरिक जी पांडवों की तरफ से लड़े तो कौरवों की सेना को 1 मिनट में समाप्त कर देंगे और फिर कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो पांडवों की सेना को समाप्त कर देंगे। इस तरह से 3-4 मिनट में ही महाभारत का युद्ध खत्म हो जाएगा। मानवता को बचाने के लिए कृष्ण जी ने बर्बरिक से अब उनका शीश दान में मांगा। बर्बरिक जी ने बिना संकोच किए अपना शीश काट के कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण जी अति प्रसन्न हुए, बोले कि आप हारे का सहारा बनेंगे, आप कलयुग के देव कहलाएंगे, आपको मेरा नाम होगा, आप बाबा श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। दोस्तों आज ये वही जगह है जहां पर कि बाबा श्याम का, बाबा बर्बरिक का शीश मिला था और यहां पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थी बाबा बर्बरिक की बाबा श्याम बनने की कहानी। एक बार जोर से जयकार जरूर करिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय बाबा श्याम की। बाबा श्याम की कथा सुनते सुनते दोस्तों हमारी लाइन आगे बढ़ती चली गई और हम बाबा के दरबार में पेश हो गए हैं। बाबा के दर्शन करने वाले हैं दोस्तों। यहां पर कैमरा अलाउड नहीं है, मैं जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे बाबा का दरबार है, मेरे श्याम का दरबार है दोस्तों, ये मेरे खाटू नरेश का दरबार है दोस्तों। नमन करिए, आके रोंगटे खड़े होते हैं बाबा के दर्शन करके। मैं जितनी बार आता हूं दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं दोस्तों। ओह, अब हमने दूसरी बार हम आए हैं और अब के हम ये 13 सीढ़ियों की तरफ से आए हैं दोस्तों। हमने एक बार बाबा के दर्शन किए लेकिन मन मानता ही नहीं दोस्तों, बाबा के दर्शन
की अभिलाषी हम लोग बार बार दर्शन करना चाहते हैं। मैं दूसरी बार आया हूँ, ये 13 सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ। ये बोलते हैं ये 13 सीढ़ियाँ जो होती है ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ होती है, सारे पाप कट जाते हैं, आपके सारे रोग दूर होते हैं, सारे कष्ट दूर होते हैं। तो हम ये चढ़ के आए हैं बाबा के दरबार में। अब बाबा के हम सामने से दर्शन करेंगे दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों मेरे बाबा, मेरे खाटू नरेश। जय श्याम बाबा की, जय भगवान, जय कृष्ण जी, जय हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय हो शीश के दानी की, जय बाबा। ये दर्शन बहुत ही मुश्किलों से होते हैं दोस्तों। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि बाबा के हम दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। जय बाबा श्याम। दोस्तों मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप मेरा एहसास समझिए। जय बाबा श्याम की। दयावर हे बाबा श्याम, सब पे दया करिए, सबके कष्ट हरिए, सबको खुशियाँ खुशियाँ दीजिए बाबा, हमारे साथ रहिए बाबा। हे बाबा का मैंने क्लोजअप लगाया दोस्तों, दर्शन कर लीजिए मेरे बाबा का। जय हरे का सारा, जय खाटू श्याम जी मेरा, दयावर खाटू नरेश की जय हो, शीश के दानी की जय हो, लखदार की जय हो, जय बाबा श्याम की। दोस्तों ने दर्शन कर लिए हैं और हम बाहर की तरफ आ गए हैं। मन एकदम से प्रसन्न है दोस्तों, हल्का हो गया पूरा बदन बाबा के दर्शन करके। कुछ समझ नहीं आ रहा, लग रहा कि हम कहाँ पर हैं, मुझे लग ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पर। सांसें फूल गई दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हम दर्शन करके बाहर गली में आए हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छा सब जगह अरेंजमेंट्स है, खाने का पीने का सब बाबा के नाम से है, सब बाबा के दरबार में है दोस्तों। यहाँ सात्विक थाली मिलती है 100 रुपये में, बहुत अच्छा खाना होता है, आप ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पर मैंने ट्राई किया है, लंच एंड डिनर दोनों ट्राई किया मैंने। उसके सामने ये शिव पवित्र भोजनालय है, यहाँ भी स्नैक्स और चाय वगैरह मिलती है और काफ़ी अच्छी जगह, आप अंदर बैठ सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी खुली जगह है। मैं आपको ये सब दिखाता रहूं कि बाबा के दरबार में आते हैं तो थोड़ी सुविधा भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। जगह जगह बाबा की आपको तस्वीरें मिलेगी, आप घर लेके जा सकते हैं, लाइटेड है, जहाँ नज़र डालूं मुझे तो बाबा ही नज़र आते हैं दोस्तों। हर तरफ मेरे को मेरे श्याम नज़र आते हैं। यहाँ पे आके खाटू में खाटू नरेश ही नरेश नज़र आते हैं दोस्तों। मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको भी दर्शन कराता रहूँ मेरे श्याम की। ये धरती बहुत पवित्र है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट भी करता रहा हूँ, जय बाबा श्याम ज़रूर लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में। मेरे ठाकुर जी मेरे खाटू नरेश की गुणगान करते रहिए, जो आपका मन में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए। ये देखिए हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये बाबा श्याम की मैंने श्याम कुंड से ली है तस्वीर दोस्तों। यहाँ भी मेरे बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आंखें ही नहीं हट रही। जय मेरे श्याम, जय श्याम बाबा की, जय खाटू नरेश की, जय हो।